आहो, आहो जरा ऐका तरी, रोहिणी ने ऐसा गलत क्या कहा? आप भी तो जानते हैं आजकल बाहर का खाना कितना महंगा हो गया है। हाँ हाँ पता है, लेकिन एक दिन के खाने के पैसे बचाकर कौन सा महल बना लेगी वो? अरे लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विभा, खाना नहीं मंगवाना था कोई बात नहीं, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। जाऊ ध्यान आता, बिजली गई थी इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। बिजली का सिर्फ उसके अकेले के लिए गई है? अच्छा गुस्सा आ भी गया, तू क्या बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? अच्छा पापा अब छोड़ भी दीजिए ना, अब आप शांत हो जाइए और हमेशा की तरह जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। सुनिए अब चलना बंद भी कीजिए। देखिए कल जब आपके पैर दर्द करेंगे तब मैं मेरी दवाई आपको नहीं दूंगी। तुम भी ना विभा। चलिए हेलो दक्ष, तुम घर पे होते हुए भी मुझे फोन कर रहे हो, हाउ रोमांटिक। नैना मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में गया था। अरे तुम घर के बाहर कब गए? दक्ष मैं चाहती थी कि काका वो बिल पे करे। नहीं नैना उसका कोई फायदा नहीं, ऑफिस कब का बंद हो गया था। मैं अपने घर के बाहर ही हूँ, जनरेटर शुरू करा रहा हूँ। पूरी रात अगर बिजली नहीं आई तो बंटू सो नहीं पाएगा, उसे बहुत परेशानी होगी। दक्ष तुम कितने अच्छे हो। अच्छा एक गर्मा गर्म खबर सुनो, मैंने वहिनी का आज तो दिवाला ही निकाल दिया। मैंने एक ऐसा चक्कर चलाया जिस वजह से वहिनी को जबरदस्ती आई के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ा। दक्ष लाइट्स तो आ गए। हाँ हाँ बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाहर से देख रहा हूँ। अब मैं गली ऑफिस जाकर ये बिल भर दूंगा। अभी मैं फोन रखता हूँ, मुझे इलेक्ट्रिशियन को ड्रॉप करने जाना है। ठीक है तुम बस जल्दी घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है। ओके दक्ष, अब तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं शांत हो जाऊं? कैसे नैना? और वो भी ये सुनने के बाद कि वहिनी ने आई के जोड़ों वाले दर्द की दवाई फेंक दी है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? और वो अगर ये सब कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? दक्ष, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे बताने के बाद तुम ये दवाइयां ले आए, ये कम है क्या? हाँ और मैं आज ही आई को दवाइयां दे दूंगा। नैना प्लीज देखो ये मजाक का वक्त नहीं। मैं जानती हूँ कि ये मजाक का वक्त नहीं, लेकिन अगर तुम अपना चेहरा देखोगे ना तो तुम भी हंसने लगोगे, गुस्से से तुम्हारी नाक लाल हो गई है। नैना प्लीज। अच्छा बाबा आई एम सॉरी, लेकिन ये दवाइयां आज तक जरूर पहुंचेंगी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा तुम कह रहे हो। हाय, पहले कितना अंधेरा था। लेकिन अब सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। सब सफाई करने के पहले मैं अपनी दवाई ले लूं। वाह भाई नैना मजा आ गया, पालक पनीर काली दाल पराठे बड़ा लाजवाब खाना था, और इस गुलाब जामुन का तो जवाब ही नहीं। वो कहते हैं ना बस चाहे कितनी खचाखच भरी हो उसमें कंडक्टर के लिए हमेशा जगह खाली रहती है, पेट चाहे कितना ही भर जाए गुलाब जामुन के लिए उसमें हमेशा जगह रहती है। वैसे नैना तुम्हें कैसे पता कि मुझे नॉर्थ इंडियन खाना ज्यादा पसंद है? काका जो लोग मुझे पसंद है ना मुझे उनका ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है।